हमने तुम्हें माफ किया सूरज, लेकिन अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। आज माफ किया, कल तुम्हारा प्यार भी वापस जीत लेंगे। ये देखिए मिस्टर कौर, हमने ये भी पता लगाया है कि सप्लायर्स को पता ही नहीं है कि उनके माल से गन्स बनाई जा रही हैं। उनको तो ये झांसा दिया गया था कि उनके माल से बच्चों के खेलने की गन्स बनाई जाएंगी। हे भगवान, ये लोग किसी को बेवकूफ बनाना नहीं छोड़ते। इंस्पेक्टर अजय, हमें जल्द से जल्द उन सप्लायर्स को बताना होगा कि जो कच्चा माल वो सप्लाई करते उससे खेलने की बंदूक नहीं, असली बंदूकें बनती है। एक बार उन्हें सारा सच पता चल जाएगा तो वो अपने आप सप्लाई रोक देंगे, फिर विवान और रागिनी की गन फैक्ट्री बंद हो जाएगी। जी तो चले लखनऊ, और इसी बहाने आपके साथ कुछ समय बिताने और आपको जानने का मौका मिल जाए, इससे लखनऊ में हमें बहुत मदद मिलेगी। बहुत जल्द आजादगंज विवान और रागिनी के इस षड्यंत्र से आजाद हो जाएगा। सूरज, ये बंदूक लेकर जाने की क्या जरूरत है? विवान और रागिनी ने उस डॉक्टर को पैसे दिए होंगे, इसलिए उसने कमल नारायण को पागल बनाने की दवा लिखी है। हम बंदूक दिखाएंगे और दवा को बदलवाएंगे। वो डॉक्टर हमारा चाचा थोड़ी ना लगता है जो खुशी खुशी पागलपन की दवाइयों को विटामिन की दवाइयों से बदल देगा। बस एक बार वो कमल नारायण होश में आ जाए, विवान और रागिनी की तो होश ही उड़ जाएंगे, और वो गन फैक्ट्री वो तो समझो गई। सूरज, जो आप ठीक समझे। सूरज, हमका लागत है कि आपको एक बार ये प्लान दीदी को बता देना चाहिए। अगर दीदी को बता देते तो अच्छा होता। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बार बार अपनी दीदी को बीच में मत लाया करो। कहाँ गई? ओ अच्छा, हमारे साथ आंख में चोली खेल रही है चकोर। साढ़े तीन, अब पूछिए साढ़े तीन क्या? साढ़े तीन क्या? अरे साढ़े तीन बजे की बस टिकट बुक करिए लखनऊ के लिए। अब आप ये बताइए कि हम डायरेक्ट बस अड्डे पे मिलें या आपको कहीं से पिक कर लें? नहीं, हम आपको डायरेक्टली बस अड्डे पर ही मिलेंगे। अभी फिलहाल तो हम यहाँ पे बच्चों की फोटोज खींच रहे हैं जो बंदूकें बनाते हैं। फोटोज वो सप्लायर को दिखाने के लिए, ताकि उन्हें समझ आए कि जो कच्चा माल वो सप्लाई करते हैं उनके कैसे दुरुपयोग होकर बंदूकें बनाई जाती है, और इसके बाद वो विवान और रागिनी की मदद करने से इनकार कर देंगे। चलिए ठीक है, सीधा बस अड्डे पे मिलते हैं आपसे। इमली, क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? दीदी, वो सूरज कब से हवेली के बाहर चले गए, अब तक वापस नहीं आए, कल रात से गए, पता नहीं किसको बताया तक नहीं, कहाँ जा रहे, कब तक आएंगे? इमली, वैसे तो हमारा कोई हक नहीं बनता तुम दोनों के बीच बोलने का, मगर फिर भी तुझे उसे समझाना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। वो तेरे बच्चे का बाप बनने वाला है और उसे अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए। दीदी देख, आज तक हम तो को कभी उल्टे जवाब नहीं दिए, तो जो बोले हम सुन कर लिया, कहे कि हमको लगता था कि हम तोरे अपराधी हैं, पर दीदी सूरज की आज जो मानसिक दशा है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमरी नहीं है, तोरी भी है। तूने भी तो नहीं किया जो तुझे करना चाहिए था। तूने कभी सूरज की बात ही नहीं सुनी, तूने कभी सूरज को टेम ही नहीं दिया। दीदी अगर तू सूरज की बात सुन लेती ना, तो आज हम चारों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर होता, हमारे संबंध आज वो नहीं होते जो आज है। जाने दे, तू सूरज की चिंता नहीं कर, हम सूरज को ढूंढ ही लेंगे। एक टिकट लखनऊ। एक नहीं, दो टिकट। तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो का मत बोले,
हम भी आपके संग चल रहे सूरज। तो पूरा दिन शराब पीते रहते हो, हवेली से पता नहीं कब गायब हो जाते हो, ना आने का पता ना जाने का पता। अब लखनऊ भी अकेले जाओगे? हम भी आपके संग आ रहे सूरज। पागल हो गई हो क्या? प्रेग्नेंट हो तुम और ऐसी हालत में तुम्हें लखनऊ तक बस में धक्के खाते हुए जाना है? तुम यहाँ आजादगंज में ही रहो। देखो यहाँ पर तुम्हारे माई बाप भी हैं, अगर कोई तकलीफ हुई तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। देखो सूरज, हमारा आजादगंज में कोई भी नहीं, कोई भी हमें अपना नहीं मानता। हमारे माई बाबू तक हमें अपनी बेटी नहीं मानते। हम क्या करेंगे आजादगंज में रहकर? बेहतर है हम भी आपके संग चले। अरे भाई, आपको टिकट चाहिए कि नहीं? जी चाहिए हमें, दे दीजिए दो। इमली, तुम बेकार की जिद कर रही हो। दो दिन की तो बात है, हम दो दिन में वापस आ जाते। दो दिन तक तुम अपने कमरे में रह लेती। इमली वहां चलो। क्या हुआ सूरज? क्या हुआ? वहां देखो। पता नहीं ये लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। बस ये लोग यहां से निकल जाएं, फिर हम बस में चढ़ेंगे। सूरज, हमको क्या फर्क पड़ता है लोग कहां जा रहे हैं और कहां नहीं? हमको उन दोनों से मतलब नहीं होना चाहिए ना सूरज? हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता, चलो हम चलते हैं। रुको, हमने बोला ना इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। चकोर को कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने का समय गया। अब बोलेंगे नहीं, करेंगे, हम करके दिखाएंगे। बस कोई रास्ता ढूंढना होगा बस में इन्हें दिखे बिना घुसने का। ठीक है सूरज, पर इतना तो सामने ही खड़े, हम दोनों कैसे जा सकते? ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी ले लो भाई, ताजी ताजी। अरे भाई क्या कर दिया तुमने? अरे हमारी सारी की सारी सब्जी बर्बाद हुई गवा, पता नहीं कौन गिरा के चला गया हमारा सब्जी। चलो 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 भाई चलो। बच गए। इंस्पेक्टर अजय, चलिए। अरे इमली, ये चकोर तो इसी तरफ आ रही है। चलो चलो छुपो, यहां तो जगह ही नहीं है। पीछे होगी ना। चकोर इंस्पेक्टर के साथ कहां जा रही है? कहीं ये लोग छुट्टी मनाने तो नहीं जा रहे? सूरज फालतू की बातें नहीं कर। तो और क्या बात करें? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं? सूरज ऐसा कुछ नहीं है। अगर दीदी आपका पीछा कर रहे होती ना, तो दीदी एक आध बार यहाँ वहाँ नजर मारती कि आप इस बस में बैठे हो कि नहीं बैठे। पर दीदी ऐसा नहीं करते है ना। कच्चा भी सोचते रहते हो। भैया उठिए ना, बैठने दीजिए ना थोड़ा। वैसे भी आप गलत सीट पे बैठे हैं, ये लेडीज सीट है। सॉरी हम उठ जाते हैं। नहीं नहीं, हम यही बैठेंगे, आप कहीं और जाकर बैठ जाइए। अरे काहे बैठे हैं और कहीं, उठिए, ये लेडीज सीट है। ये हमारी पत्नी है ना, ये प्रेग्नेंट है, तो इसे कभी भी मदद चाहिए होती है, इसके साथ रहना पड़ेगा हमें। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम है ना आपका पत्नी का पूरा ख्याल रखेंगे। अरे हमने कहा ना हम यहीं बैठेंगे, कहीं और जाके बैठो। देखो उस औरत के पास जगह खाली है, वहां जाकर बैठो। अरे बड़े ढीठ हैं आप तो, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। क्या हुआ? एक मौका मिला था हमें चकोर को खुश करने का, वो मौका भी हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। अगर हमें पहले ही पता होता ना कि चकोर इसी बस में आके बैठने वाली है, हम इस बस में चढ़ते ही नहीं। चलो चलो भैया चलो, ले चलो आगे। पर क्या रहे हैं आप? आपकी ये उम्र ये सब उछल कूद करने की नहीं है। चक्कर वक्कर आ गए तो चलिए आप कमरे में चलिए। किसे चक्कर आ जाए? ना, कौन है आप? हम भोले हैं, हम भोले, हमें चक्कर नहीं आता ना? आपने हमारे पार्टनर को भगाया है ना, है? तो इमली की जगह आपको लेनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी। चलिए छोड़िए, पूछ रहे हैं
कहाँ भाग गई इमली? कहाँ भेज दिया उसे? विवान, हमने इमली को कहीं नहीं भेजा है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए सूरज उसे शहर लेकर गया है ताकि अच्छे अस्पताल में उसका इलाज हो सके। अब दो दिन बाद आ जाएंगे वो दोनों। इमली की इतनी तबीयत खराब हो गई और हमें मालूम तक नहीं चला। जाकर देखना चाहिए। नहीं विमान भैया, ये समय वहां जाने का नहीं है। यहाँ बहुत काम है और वैसे भी इमली के साथ सूरज है ना, उसके बच्चे का बाप, तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? चलिए ना, खेलते हैं। आइए आइए। छोड़िए कमल जी। अरे इनसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये थक जाती है बहुत। आप खेलेंगे हमारे साथ? आपको खेलना होगा। दे, चुपचाप अपने कमरे में जाइए। खुद तो पागल है, हमें भी पागल कर दिया। पागल? हमें पागल कह रही है? हमें पागल कह रही है? देखे भोलेनाथ को पागल कह रही है ये। हम क्रोधित हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। हम पागल नहीं है, हम भोले, हम भोले। बता दे, सभी को बता दे, बता दे। क्या बताएंगे आप? कि तुम सब पागल, पागल हो, तुम सब पागल हो। बम बम भोले, हम हैं भोले, बम बम भोले। रागिनी, तुम्हें कमल जी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। पागल आदमी अपने आप को नहीं संभाल सकता, हमारा क्या बिगाड़ेगा? बड़ी प्यार भरी खुसुर खुसुर हो रही, ऐसा लग रहा है जैसे सच में छुट्टी पे ही जा रहे। मिस चकोर, 17 पूछिए। क्या 17? क्या 17? शहर बदल चुके हैं हम अपने ट्रांसफर के चक्कर में, और ऐसी बसों में हमने बहुत बार ट्रैवल किया है। पानी पानी पानी, कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स, ले लो लो, कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स। अरे देखिए वो पानी वाला है, सब लोग उस पे टूट पड़े, हम पानी लेकर आते हैं। नहीं नहीं मिस चकोर, आप रुकिए, हम लेकर आते हैं। नहीं आप बैठिए, बैठे बैठे हमारे पांव अकड़ गए, हम लेकर आते हैं। लो लो लो, पैसे दो पैसे दो। भैया एक बोतल पानी देना। हाँ जी हाँ जी। इमली क्या हुआ? सूरज पानी। हाँ हाँ पानी लाते हम। हेलो भाई साहब, पैसा दो। ये लीजिए पैसे। भाई साहब पैसे दो। हाँ दे रहे हैं पैसे, ये ले। सूरज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हम भी तुमसे पूछना चाहते कि तुम कहाँ जा रही हो इस इंस्पेक्टर के साथ। तुम होते कौन हमसे पूछने वाले कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं? वो तो हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि तुम लोग हमारा पीछा कर रहे हो। पीछा? तुम्हारा ना कोई पागल कुत्ता भी पीछा ना करे। कुत्ते क्यों करेंगे हमारा? आप दोनों मिल गए। अरे इमली भी है, पूरा परिवार एक साथ है, होने वाला बच्चा, बच्चे की माँ, बच्चे का बाप। कहीं घूमने जा रहे हो? अच्छा है, जाओ जाओ, आने वाले दिनों में घूमने नहीं मिले। हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम हमसे भी मत पूछा करो कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। हाँ नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे कुछ भी। यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ ना, जाके अपने दोस्त के साथ बैठो जिसके साथ छुट्टी पे जा रही हो। अपनी बकवास बंद रखा करो सूरज, और अपना दिमाग ना थोड़ा ठंडा रखा करो। दिमाग तो तुम्हारा भी बहुत गर्म रहता है, हमारे मुंह पे पानी डाला है ना, अब इसे साफ भी तुम ही करो। साफ करो।